भागलपुर जिले से खबर आ रही है जहां भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्रकाश कुमार ने भागलपुर स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और रेलवे आरपीएफ के पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन चौक चौराहे पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लॉ एंड ऑर्डर एसपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का आधार है, अधिकार है। सभी छात्रों से अपील है कि वो तोड़फोड़ ना करें। युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वह उनकी संपत्ति है। लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जमाना सोशल मीडिया का है, वीडियोग्राफी की जा रही है। अगर किसी को कानून हाथ में लेते देखा गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर आगजनी की जा रही है, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, साथ ही साथ पुलिस पर भी पथराव किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। निरीक्षण करने आए थे, स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। यहाँ पे स्थिति पीसफुल है और सारी ट्रेनें जो है रद्द की गई है, हमारे फोर्स हर जगह लगी हुई है, किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। सर, पहले से किस तरह की तैयारी की गई है? चप्पे चप्पे में फोर्स लगाया गया है और हम लोग सूचना भी संग्रह कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की सूचना नहीं है।